हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th के मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दें। आपका जो CBSE की तरफ से अपडेटेड सिलेबस आया सेशन 22-23 के लिए, वो इस वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूँगी। बहुत सारा चेंजेस कुछ नहीं है, और जैसा भी जो भी यूनिट्स हैं सो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो हैव अ लुक ऑन योर सिलेबस। सो क्लास 11th एंड 12th दोनों ही के लिए एनुअल एग्ज़ाम जो आपका 70 मार्क्स का एज यूजुअल होता है वही रहेगा। क्लास 11th में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, तो ये सभी यूनिट्स रहेंगी। और फर्स्ट यूनिट में चैप्टर रहेंगे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। सेकेंड यूनिट में चैप्टर रहेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फिर सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट में रहेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके पास चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन ह्यूमन फिजियो के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पर एक चैप्टर डिलीट है स्टूडेंट, डाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो नहीं है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 16 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एसिमुलेशन, 20 लोकोमोशन मूवमेंट, 21 न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन कौन से रिलेटेड है एक बार देख लीजिए। चैप्टर नंबर 11 और 12 नहीं है हमारे पास, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। देन हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 नहीं है, ठीक है। सो टोटल 3 चैप्टर्स आपके डिलीटेड हैं। प्रैक्टिकल्स में वही आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें एक मेजर एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, स्लाइड प्रिपरेशन होगी, स्पॉटिंग होगी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा होगा। दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। सो आते हैं क्लास 12th के सिलेबस पे। क्लास 12th में चैप्टर 1 जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट्स है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर इस बार नहीं है। चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7 इवोल्यूशन, 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे एक और चैप्टर था आपका इम्प्रूवमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें तो वो चैप्टर नहीं है, चैप्टर नंबर 9 नहीं है यहाँ पे। चैप्टर 11 एंड 12 बायोटेक से दोनों चैप्टर हैं। 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 14 इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और यहाँ पे 16 चैप्टर इन्वायरमेंट इश्यूज यहाँ पर नहीं है। तो टोटल 2 चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस, एंड क्लास 11th में से 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। टोटल 30 मार्क्स प्रैक्टिकल विद 70 मार्क्स थ्योरी एग्जाम विल बी देयर। इन प्रैक्टिकल एग्जाम 5 मार्क्स मेजर एक्सपेरिमेंट, 5 मार्क्स फॉर 4 मार्क्स फॉर माइनर एक्सपेरिमेंट, 1 टेम्परेरी स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स, स्पॉटिंग फॉर 7 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइवा 4 मार्क्स, एंड योर प्रोजेक्ट एंड वाइवा दिस इज फॉर 5 मार्क्स। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में आपके पॉली जर्मिनेशन, टेम्परेरी स्लाइड प्रिपरेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वार्टेट मेथड है, पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाय क्वार्टेट मेथड, टेम्परेरी माउट ऑफ अनियन रूट टिप सेल्फ टू स्टडी माइटोसिस, आइसोलेशन ऑफ DNA, और भी आपके पास स्पॉटिंग है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंसीज की है, परमानेंट स्लाइड्स है आपके पास टेस्टेड ओवरीज की, और मियोसिस है अनियन बर्ड सेल से, ग्रास ओपर टेस्टिस से, TS ऑफ ब्लास्टुला की स्लाइड आपके पास है। फिर उसके पास आपके पास चार्ट्स, पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट आप देख सकते हैं, और इमेस्कुलेशन टैगिंग बैगिंग को स्टडी करना है। परमानेंट स्लाइड्स आपके पास होंगी या स्पेसिमेन होंगे, एस्केरिस स्लाइड्स होगी, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब आपको करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफ क्लास 12th। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक या दो चैप्टर रिलेटेड हैं, बट जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर करें सो आई सजेस्ट कि सभी आप चैप्टर्स करें। So all the very best students, goodbye everyone.